बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास 10 इन ऑनलाइन क्लासेस। ये बेटा पहले हम टाइप 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आज टाइप 4 पे क्वेश्चन करने हैं। तो ये देख लें, इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स टर्म्स ऑफ द फॉर्म ए रेज टू द पावर एक्स वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 और कार्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये इस टाइप की इक्वेशन जिसमें ए रेज टू द पावर एक्स इन्वॉल्व हो, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। हम इसको किस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, इसके लिए बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन वाई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स द इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टर्म ऑफ वाई। ये क्वेश्चन देख ले बेटा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 10 है, एक्सरसाइज 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 10। ये देख ले, 3 रेज टू द पावर एक्स माइनस 10 इंटू 3 रेज टू द पावर एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 10 है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं कि 3 रेज टू द पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 रेज टू द पावर एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आप सब्स्टिट्यूट कर ले, 3 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कि 3 रेज टू द पावर एक्स को वाई के बराबर इक्वेशन 1 में पुट कर ले तो आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाता है, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये देख ले बेटा, हमने 3 रेज टू द पावर एक्स को वाई से रिप्लेस कर ली है, तो ये 3 रेज टू द पावर एक्स वाई से रिप्लेस करें तो ये वाई और ये 3 रेज टू द पावर एक्स होल स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 इन टू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वाई। अब इसको फैक्टराइज करें, इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं लिख लूँ कि वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9 वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये माइनस वाई और माइनस 9 वाई दोबारा 10 वाई के बराबर होता है। तो पहले दो टर्म से वाई कामन कर लें, तो वाई कामन करने से ये हो जाएगा वाई इंटू वाई माइनस 1, और ये इन दोनों टर्म से माइनस 9 कामन करें तो ये इनसे भी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इज ए होल वाई माइनस 1 कामन हो जाए तो दूसरा फैक्टर हमारे पास वाई माइनस 9 बन जाता है। तो बाई यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू 9। जब वाई इज इक्वल टू 1 हो, when y is equal to 1, then 3 raised to the power x is equal to 1 using equation 2। हमने y को 3 raised to the power x से replace किया था, तो दोबारा यहाँ पे इनकी value दोबारा लगा लें तो ये 3 raised to the power x is equal to 1, 3 raised to the power x is equal to 3 raised to the power 0, क्योंकि हमने base को same बनाना है तो ये 3 raised to the power 0 is equal to 1 के बराबर होते हैं, तो इसी वजह से इसकी जगह पे ये 1 की जगह पे 3 raised to the power 0 लिखा है। चूँकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कर ले, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। व्हेन वाई इज इक्वल टू 9, देन 3 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट 3 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा जब हम एक्सपोनेंट को कंपेयर कर ले तो एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपका सोल्यूशन सेट 0 2 हो जाएगा, सोल्यूशन सेट 0 2। इसी पे दूसरा क्वेश्चन देख लें, ये 12 नंबर, इसका क्वेश्चन 12 देख लें। 5 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। इसमें भी इसी तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं ना, तो इसी तरह हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 रेज टू द पावर एक्स, ये 5 रेज टू द पावर एक्स इंटू 5 रेज टू द पावर 1, दोनों का बेस सेम है, दोबारा x प्लस 5 के बराबर होता है, और ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 5 स्क्वायर और इन टू 5 रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स है ना, बेस सेम है तो दोबारा ये 2 माइनस एक्स के बराबर होता है, इज इक्वल टू 126।
इनको मैं लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 5 रेस टू द पावर एक्स, और 5 का स्क्वायर 25 के बराबर, और ये चूंकि 5 रेस टू द पावर माइनस एक्स है तो ये नीचे ला के लिए 5 रेस टू द पावर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 126। दिस इज इक्वेशन 1। अब लेट करें कि 5 रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 5 रेस टू द पावर एक्स को वाई से रिप्लेस करें तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा 5y प्लस 25 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 126। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है तो दोनों साइड्स को y से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 125y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये माइनस y और माइनस 125 का रिजल्ट दोबारा 126y के बराबर होता है। तो अगर आप इससे y कामन करें पहले दो टर्म से तो 5y माइनस 1 आ जाएगा, 25 कामन करें तो ये भी 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 5y माइनस 1 को इज ए होल कामन करें तो दूसरा फैक्टर 5y माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इज माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इससे सबसे पहले अगर आप 1 को उस साइड पे कन्वर्ट करें तो 5y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर ले तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 5, और यहाँ से 25 उस साइड पे कन्वर्ट करें तो y इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। When y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 देन यूजिंग इक्वेशन 2, ये y की जगह पे 5 रेस टू द पावर x रिप्लेस करें तो 5 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 5 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 5 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर माइनस 1। तो दोबारा फिर ये आप देख रहे हैं कि ये बेस दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करें तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। When y इज इक्वल टू 25 देन 5 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 25 यूजिंग इक्वेशन 2, तो 5 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बेस दोबारा सेम है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 1 2। इसके बाद ये टाइप 5 है, 5 पे क्वेश्चन करने हैं तो इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, वी आर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसकी क्वेश्चन किस तरह करेंगे। x माइनस ये 13 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 385। यहाँ से देख ले बेटा, ये माइनस 3 प्लस 5 का रिजल्ट 2 के बराबर, 9 माइनस 7 का रिजल्ट 2 के बराबर, तो इसका मतलब है कि माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 7। तो आप इन फैक्टर्स को रीअरेंज करें, रीअरेंजिंग द फैक्टर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन वी हैव। ये x माइनस 3 और x प्लस 5 को, अरे दोनों को लिख लें, और ये x प्लस 9 माइनस x माइनस 7 इन दोनों को कंबाइन करें, तो इनका प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस 3x और माइनस 15 के बराबर, इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x और माइनस 63 इनका प्रोडक्ट कर ली हैं, तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ रहा है, और दूसरे से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू 385 आ रहा है। तो दोबारा देख लें, इसको हमने इक्वेशन 1 बनाया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस फैक्टर में भी मौजूद है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर भी मौजूद है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम y के बराबर सपोज करते हैं। तो आपका इक्वेशन नंबर 1, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x को y के बराबर सपोज कर ले तो ये इक्वेशन 1 इस तरह लिख सकते हैं, y माइनस 15 इंटू y माइनस 63 इज इक्वल टू 385। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो y y के साथ y स्क्वायर हो जाएगा, फिर y 63 के साथ तो 63 माइनस 63y और माइनस 15y, और ये हो जाएगा इन दोनों 63 और 15 का प्रोडक्ट, ये 945 के बराबर होता है इज इक्वल टू 385। अगर मैं ये 385 इस साइड पे कन्वर्ट कर लूँ तो ये y स्क्वायर माइनस ये 63 और 15 इनको ऐड करें तो माइनस 78y और ये प्लस 945, और ये वैल्यू इस साइड पे कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 385।
माइनस 385, तो 945 से 385 माइनस करें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 78 वाई प्लस 560 इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको वेक्टराइज़ करना है, तो वेक्टराइज़ करने के लिए दो ऐसे टर्म्स चाहिए कि इनका सम माइनस 78 हो और प्रोडक्ट 560 के बराबर आ जाए। तो हमने इनका ये 560 का एलसीएम ले लिए, पहले 2 से डिवाइड कर ली है तो इससे 280 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड कर लिया है तो ये 140, फिर 2 से डिवाइड करके 70 आ रहा है, फिर 5 से डिवाइड करके 35 और फिर 7। तो ये देख लें, अगर मैं ये 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 5 7 35 और मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 70, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये दो टर्म्स, एक माइनस 8 और दूसरा माइनस 70, ये दो ऐसे टर्म्स हैं कि इनका सम दोबारा माइनस 78 और प्रोडक्ट 560 के बराबर है। तो ये अब लिख लें वाई स्क्वेयर माइनस 8 वाई माइनस 70 वाई प्लस 560 इक्वल टू ज़ीरो। ये पहले दो टर्म से आप y कॉमन करें तो ये y इंटू वाई माइनस 8, और बाकी दो से 70 माइनस 70 कॉमन करें तो ये आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। अगर y माइनस 8 इज ए होल कॉमन हो जाए तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा y माइनस 70 इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें तो y माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस 70 इक्वल टू ज़ीरो। तो y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 70। When y इज इक्वल टू 8, तो y को हमने रिप्लेस किया था x स्क्वायर प्लस 2x से, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो इनको फैक्टराइज़ कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस 4 और माइनस 2 का सम प्लस 2 के बराबर और प्रोडक्ट माइनस 8 के बराबर। तो पहले दो टर्म से अगर x कॉमन हो जाए तो ये x प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस 2 कॉमन करके x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 4 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके तो ये x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है, और x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। व्हेन y इज इक्वल टू 70, देन x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70 यूजिंग इक्वेशन 2। ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इक्वल टू 0, यहाँ पे चूंकि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 70। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू ये माइनस b, तो b की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा ना, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू c, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 70, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, और इनका प्रोडक्ट 280 के बराबर, प्लस क्योंकि माइनस 70 है और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 70 है, तो इससे प्लस 280 आ जाएगा। अगर हम इनको ऐड करें तो ये 284 के बराबर बन जाता है। तो माइनस 2 प्लस माइनस 284 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। अब 284 का एलसीएम मैंने ले लिया है तो ये 2 से डिवाइड करें 142, फिर 2 से डिवाइड करें तो 71 आ रहा है, 71 से डिवाइड करें तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर द रूट 71 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अगर हम 2 कॉमन करें तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71, तो 22 के साथ कैंसिल, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 आ जाएगा। तो पहले जो हमने रूट्स मालूम की थी वो 2 और माइनस 4, और ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, तो इसके सोल्यूशन से 2 माइनस 4 माइनस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 71 हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 को ज़रा बेटा देख लें, ये बस बुक्स में गलत लिखा गया है तो इसको ज़रा सही कर ले, वो मिस प्रिंटिंग की वजह से गलत आया है, तो ये आप सही कर ली। ये x रेस टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है।
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। तो ये देख लें, अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, ये टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म्स रीअरेंज करूँ, तो ये x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। ये पहले एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इनसे माइनस 2x कामन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये देख ले बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दोनों से आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कामन करें तो आपका ये चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर हैं, तो कामन करने से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कामन हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता भी है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। अगर हम ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर द रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 1, इट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है ना इसका, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करें। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 1 के बराबर है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें a, b, c के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें तो x इज इक्वल टू माइनस, चूँकि b की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस इन टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इन टू ए सी, ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इन टू 1। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 इन टू 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका ये 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें मालूम है कि अंडर रूट 8 2 इंटू अंडर रूट 2 के बराबर है, तो इसकी जगह पे लिख लिया 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 कामन हो जाए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।